हेलो एवरीवन कैसे हो आप सब होप आप सब अच्छे से होंगे माय नेम इज़ खान शौकत एंड आई वेलकम यू ऑल टू द ट्रिपल एस यूट्यूब चैनल जैसे कि आपको ऑलरेडी पता है कि अभी हम एक एमसीक्यू सीरीज़ कर रहे हैं रिगार्डिंग कंप्यूटर साइंस आज इस वीडियो सीरीज़ का लेक्चर नंबर सेवन रहेगा लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया है एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो आज के लेक्चर में हम क्वेश्चंस करेंगे रिगार्डिंग इंटरनेट ईमेल एंड पीडीएफ जो कि हमारे सिलेबस में एज इट इज़ एक टॉपिक मेंशन किया गया है तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर वन क्वेश्चन नंबर वन में हमसे पूछा गया है द कंप्यूटर नेटवर्क एनेबल्स टू और मोर कंप्यूटर्स टू आपको बताना है कि हम कंप्यूटर नेटवर्क्स का इस्तेमाल किस परपज के लिए करते हैं ऑप्शन ए इंक्रीज द स्पीड ऑप्शन बी

फोर्थ डब्ल्यू स्टैंड फॉर आपको बताना है डब्ल्यू 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 में फोर्थ डब्ल्यू स्टैंड फॉर वॉट ओके सबसे पहले अगर हम इसकी फुल फॉर्म देखेंगे वॉट इज द फुलॉर्म ऑफ डब्ल्यू 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 दट इज वर्ल्ड वाइड वेब वरम ओके सो द फोर्थ डब्ल्यू स्टैंड फॉर वरम सो द राइट आंसर ऑफ और क्वेश्चन नंबर टू विल बी ऑप्शन डी दैट इज वरम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री के बारे में क्वेश्चन नंबर थ्री में हमसे पूछा गया है हु इन्वेंटेड द वर्ल्ड वाइड वेब आपको बताना है हु इज टू इनवेंटर ऑफ डब्ल्यू 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 सो द राइट आंसर ऑफ और क्वेश्चन नंबर थ्री इज ऑप्शन ए दैट इज टिम बर्नर्सली ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है एज इट इज आपको याद रख लेना है ओके okay? और अगर मैं आपसे पूछूंगा कि ये किस साल में इन्वेंट किया गया था द ईयर इज नाइनटीन Nine. ये पॉइंट भी आप ऐड कर सकते हो बात अगर करेंगे ऑप्शन बी ऑप्शन सी और ऑप्शन डी के बारे में ये भी कंप्यूटर साइंस की काफी पॉपुलर पर्सनालिटीज़ में आते हैं अब आपका काम रहेगा इनके रिगार्डिंग कमेंट सेक्शन में मेंशन करना जो भी चीजें आपको इन पर्सन के बारे में पता है कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताएंगे एवरीवन ओके क्वेश्चन नंबर फोर के बारे में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर में हमसे पूछा गया है इन एच टी टी पी एस डब्ल्यू 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 डॉट गूगल डॉट कॉम डॉट कॉम इज सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का आंसर नहीं देंगे पहले हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे हर एक चीज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे स्टार्टिंग विथ एच टी टी पी एच टी टी पी सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊंगा कि एच टी टी पी क्या है इसकी फुल फॉर्म क्या है सो द राइट आंसर इज एच टी टी पी के रिगार्डिंग दैट इज हाइपर टेक्स्ट हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल हाइपाटेक्स ट्रांसफर प्रोटोकॉल और एस क्या है एस इज कंसिडर्ड बिथ वर्जन, फाइन और दूसरा पॉइंट अगर मैं आपको बताऊंगा कि एच पी प्रोटोकॉल जो है ये ओ एस आई मॉडल के किस लेयर पे काम कर रहा होता है दैट इज एप्लीकेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर। जो आप देखते हो ना एस एम टी पी सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल एच टी टी पी एफ टी पी ये वो वाले प्रोटोकॉल्स होते हैं जो कि एप्लीकेशन लेयर पे काम कर रहे होते हैं ठीक है एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल इसको माना जाता है और नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज़ द पोर्ट नंबर फॉर एच टी टी पी एच टी टी पी का पोर्ट नंबर अगर आप देखोगे पोर्ट इट वर्कस ऑन पोर्ट नंबर पोर्ट नंबर 80, इट वर्क्स ऑन पोर्ट नंबर 80, ठीक है अब ये पोर्ट नंबर हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं सबसे पहले uh, मैं आपको लास्ट पे बताऊंगा लास्ट पे बताऊंगा कि पोर्ट नंबर हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं ठीक है डिजायर्ड प्रोसेस तक पहुंचने के लिए हम पोर्ट नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं लास्ट पे इसके बारे में थोड़ा और डिस्कशन करेंगे ठीक है लेकिन अगर हम बात करेंगे एच टी टी पी एस की एच टी टी पी एस की ठीक है तो वो पोर्ट नंबर फोर हंड्रेड फोर्टी थ्री पे काम कर रहा है फ, करता है ठीक है ना उसका पोर्ट नंबर क्या आता है फोर हंड्रेड एंड फोर्टी थ्री एच टी टी पी एस की मैं बात कर रहा हूँ ठीक है तो एच के रिगार्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो तो हमने डिस्कस कर लिए नाउ लेट्स टॉक अबाउट डब्ल्यू जो ये डब्ल्यू होता है इसको हम बोलते हैं इट इज टू बी सब डोमेन ठीक है इसको हम क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं सब डोमेन और जो हमारा गूगल यहाँ पे आ रहा है गूगल गूगल को हम क्या बोलते हैं इट इज ओवर डोमेन नेम डोमेन नेम ओके और थर्ड यहां पे क्या आ रहा है डॉट कॉम डॉट कॉम को हम क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं टॉप लेवल डोमेन इसको हम बोलते हैं टॉप लेवल डोमेन सो हमसे क्वेश्चन में यही पूछा गया था डॉट कॉम क्या है इज इट अ प्रोटोकॉल इज इट अब डोमेन इज इट अ डोमेन नेम और इज इट अ टॉप लेवल डोमेन सो द राइट आंसर ऑफ और क्वेश्चन नंबर फोर विल बी ऑप्शन डी दैट इज टॉप लेवल डोमेन तो होपफुली इसकी एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी और आपने चीजों को याद भी रखा होगा अब uh, अगर हम इसकी बात करेंगे थोड़ा और uh, इसके रिगार्डिंग uh, डिटेल में डिस्कस करेंगे दैट इज़ अगर हम इस पूरे के पूरे वेब एड्रेस की बात करेंगे ना इसको हम क्या बोलते हैं इट बिकम्स ओवर इसको हम क्या बोलते हैं शाबाश इसको हम बोलते हैं वेब एड्रेस ठीक है जो पूरा का पूरा यहाँ पे ही आ रहा है www.google.com ठीक है एच को इंक्लूड करके ये हमारा क्या बन जाता है वेब एड्रेस और वेब एड्रेसेस को ही हम बाद में क्या बोलते हैं यू बोलते हैं यू आर एल स्टैंड फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होपफुली ये सारी चीजें आपने अच्छे से याद रखी होगी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर टू के बारे क्वेश्चन नंबर फाइव के बारे में क्वेश्चन नंबर फाइव में हमसे पूछा गया है विच अमंग द फॉलोइंग इज अ सर्च इंजन नीचे दिए गए चार ऑप्शंस में से कौन सा सर्च इंजन है क्या इंटरनेट सर्च इंजन है नो no, इंटरनेट सर्च इंजन नहीं है व्हाई बिकॉज इंटरनेट क्या है इट इज सिंपली नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स ओके नेटवर्क ऑफ नेटवर्क ये तो सर्च इंजन नहीं है वैसे ही अगर हम सपोज स्काइप की बात करेंगे तो स्काइप क्या है ये एक टेली प्रोग्राम है टेलीकॉम प्रोग्राम है ठीक है टेली प्रोग्राम है जहाँ पे हम एक दूसरे के साथ वॉइस मैसेजेस वॉइस कॉल्स कर सकते हैं या वीडियो चैट वगैरह कर सकते हैं ठीक है और एक्रोबेट रीडर क्या है ये एक पी डी एफ है ये क्या है एक पी डी एफ है और ये किन का प्रोडक्ट है अगर आपको कोई बताएगा ये एडोब का है ठीक है ना डॉप सिस्टम का ये क्या है प्रोडक्ट है ठीक है और लास्ट में यहां पे क्या बच जाता है बिंग बिंग क्या है बिंग एक सर्च इंजन है सो द राइट आंसर ऑफ और क्वेश्चन नंबर फाइव विल बी ऑप्शन बी दैट इज बिंग ओके बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स के बारे में क्वेश्चन नंबर सिक्स में हमसे पूछा गया है व्हाट इज बिट रेट ओके बिट रेट क्या होती है तो मैं आपको सिंपली इसका आंसर बता देता हूं हम कितनी बिट्स एक सेकंड के अंदर अंदर ट्रांसमिट कर पाते हैं ओवर द नेटवर्क उसको हम क्या बोलते हैं बिट रेट सो द राइट आंसर ऑफ और क्वेश्चन नंबर सिक्स विल बी ऑप्शन बी दैट इज नंबर ऑफ बिट्स पर सेकेंड दैट कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर द नेटवर्क ओके बिट रेट क्या होती है सिंपली आप कितनी बिट्स ट्रांसमिट कर पाते हो नेटवर्क के थ्रू एक सेकंड के अंदर अंदर उसको हम क्या बोलते हैं बिट रेट और बिट रेट डिपेंड करता है किस पे आपकी बैंड वेड कितनी है आपकी चैनल कैपेसिटी कितनी है उन सब चीजों पे स्पेशली बैंड वेड पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है ओके okay? अब एक और कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम बोलते हैं बॉड रेट ओके बॉड रेट ये आपके लिए होमवर्क है आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे कि बॉड रेट क्या होता है क्या होता है बिट रेड के साथ ही थोड़ा थोड़ा रिलेटेड है आप सर्च करो और मुझे कॉमेंट सेक्शन में करके बताओ। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन के बारे में क्वेश्चन नंबर सेवन में हमसे पूछा गया है वट इज एन ई मेल अटैचमेंट साइज लिमिट इन जी मेल अगर आप जी मेल इस्तेमाल कर रहे हो उसमें हाइस्ट अटैचमेंट कितनी साइज़ की आप ट्रांसमिट कर सकते हो फैक्चुअल क्वेश्चन है एज इट इज़ याद रखना है सो द राइट आंसर ऑफ फॉर क्वेश्चन नंबर सेवन इज ऑप्शन सी दैट इज ट्वेंटी फाइव हम जी मेल में हाइस्ट सबसे बड़ा अटैचमेंट कितना रख सकते हैं ट्वेंटी फाइव एम बी तक रख सकते हैं ठीक है थीके? उसके बाद ये हमें अलाउ नहीं करता है बात करते हैं क्वेश्चन नंबर एट के बारे में अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाई बी सी सी इज यूज इन एन ई मेल आपको बताना है बीसी का हम इस्तेमाल क्यों करते हैं ई मेल्स में सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए बीसी स्टैंड फॉर ब्लाइंड कॉर्बन कॉपी ओके ब्लाइंड कॉर्बन कॉपी फुल फॉर्म याद रखी अब अगर आप देखोगे जब हम मेल करते हैं किसी को सबसे पहले आता है वहां पे ऑप्शन क्या एक सेकंड. ओके फाइन तो सबसे पहले वहाँ पे क्या आता है ऑप्शन फ्रॉम कि मेल कहाँ से आ रहा है ठीक है उसके बाद दूसरा ऑप्शन क्या आता है टू उसके बाद तीसरा ऑप्शन आता है सीसी यानी कि कार्बन कॉपी ओके अब जैसे ही मैंने सपोज मैंने यहाँ अपना मेल डाल के रखा हुआ है अब अगर मुझे एक ये मेल किसी को ट्रांसफ़र करना है सेंड करना है तो यहाँ पे क्या आएगा टू आएगा टू में मैं उस रेसिपियंट का ईमेल एड्रेस डाल दूंगा अब अगर मैं चाहता हूँ कि ये मेल बहुत सारे रेसिपियंट्स को जाना चाहिए तो उन सभी का ई एड्रेस में कहाँ डाल सकता हूँ कार्बन कॉपी वाले फील्ड में डाल सकता हूँ लेकिन जैसे ही रेसिपियंट्स ये वाला मेल रिसीव करेंगे तो उनको पता चलेगी कि मैंने तो मेल रिसीव कर लिया और मेरे बग़ैर किस किस को ये मेल गया है वो वो सारी डिटेल्स भी देख पाएंगे अगर हम खाली कार्बन कॉपी का इस्तेमाल करेंगे लेकिन अगर हम ब्लाइंड कार्बन कॉपी का इस्तेमाल करेंगे अगर मैं वहाँ पे मल्टीपल रेसिपियंट्स भी डाल दूंगा लेकिन जो जिसके पास भी ये मेल जाएगा वो खाली देख पाएगा कि मेरे पास ये मेल आया है और ये मेल किस किस को ट्रांसमिट हुआ है उसके बारे में उसको कभी भी पता नहीं चलेगी सो द राइट आंसर ऑफ और क्वेश्चन नंबर एट विल बी ऑप्शन ए दैट इज़ इट अलाउज़ द सेंडर ऑफ द मैसेज टू कंसील कंसील मतलब होता है हाइड कर लेना ठीक है कंसील मतलब होता है हाइड कर लेना द रेसिपिएंट एंटर्ड इन द बीसीसी फील्ड फ्रॉम द अदर रेसिपिएंट्स फाइन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन के बारे में क्वेश्चन नंबर नाइन 9 सेजस दैट विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट आपको बताना है कि दी गिवन आर द फोर स्टेटमेंट्स आपको बताना है कि इन चार स्टेटमेंट्स में से कौन-कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है सबसे पहले स्टेटमेंट uh, uh, की बात करते हैं डब्ल्यू लैन इज अ वाइड एरिया नेटवर्क हमें पता है वाइड एरिया नेटवर्क किसकी फुल फॉर्म है वैन की फुल फॉर्म है वैन की फुल फॉर्म है लेकिन अगर हम डब्ल्यू लैन की बात करेंगे अगर हम डब्ल्यू लैन की बात करेंगे तो इट इज सिंपली वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क तो डब्ल्यू लैन की फुल फॉर्म वाइड एरिया नेटवर्क तो नहीं है तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे ऑप्शन ए हमारा क्या है ऑप्शन ए हमारा गलत है ऑप्शन ए हमारा गलत है फाइन अब अगर हम दूसरे ऑप्शन पे जम्प करेंगे एन आई पी एड्रेस इज असाइनड टू डिवाइस एट मैन्युफैक्चरिंग स्टेज ये हमें बता रहा है कि हम आई पी एड्रेस असाइन करते हैं डिवाइस को जब हम उनको बनाते हैं ठीक है बनाने के टाइम पे ही हम डिवाइस को आई पी एड्रेस असाइन कर लेते हैं क्या ऐसा होता है बिल्कुल भी नहीं होता है मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे हम कौन सा एड्रेस असाइन करते हैं डिवाइस को एक फिजिकल एड्रेस जिसको हम बोलते हैं मैक एड्रेस ठीक है मैक एड्रेस हम मैन्युफैक्चरिंग स्टेज पे दे देते हैं लेकिन अगर हम आई पी एड्रेस की बात करेंगे आई पी एड्रेस हमें तभी असाइन होता है है जब हम नेटवर्क के साथ या इंटरनेट के साथ कनेक्ट होते हैं ओके, okay, जब हम इंटरनेट के साथ कनेक्ट होते हैं, तब हमें एक आईपी आईपी एड्रेस एड्रेस किया जाता है, और ये हमें कौन करता है? Is ISP, ठीक है? Okay, तो ऑप्शन बी भी इस हिसाब से क्या आ रहा है गलत आ रहा है अब अगर हम ऑप्शन दैट इज नेटवर्क इंटरफेस कार्ड ओके नेटवर्क इंटरफेस कार्ड तो एन आई सी की फुल फॉर्म भी आप याद रखोगे एन आई सी इज़ नीडेड टू अलाउ डिवाइस टू कनेक्ट टू टू द नेटवर्क अगर आपको नेटवर्क के साथ कम्युनिकेट करना है या कनेक्ट होना है तो आपको एन आई सीज की ज़रूरत पड़ती है यस इट इज़ द ट्रू स्टेटमेंट एन आई सी इंपॉर्टेंट है इन ऑर्डर टू कनेक्ट विद द नेटवर्क और ऑप्शन डी आ रहा है यहाँ पे ऑप्शन डी आ रहा है राउटर्स राउटर्स इंस्पेक्ट डेटा पैकेट्स रिसिव फ्रॉम द इंटरनेट राउटर क्या करता है कंटिन्यूअसली डेटा पैकेट्स को इंस्पेक्ट कर रहे होते हैं कि ये हमें किस पाथ से ट्रांसमिट करना है इसकी डेस्टिनेशन वगैरह क्या है वो सारी चीज़ें ठीक है प्रीवियस क्लास में भी मैंने आपको इसके रिगार्डिंग एक ऑब्जेक्टिव करवाया था सो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी क्या है करेक्ट ऑप्शन है सो द राइट आंसर ऑफ और क्वेश्चन नंबर नाइन विल बी ऑप्शन नंबर टू दैट इज सी एंड डी ओनली ओके होपफुल ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा अभी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर टेन के बारे में क्वेश्चन नंबर टेन सेन एस स्टैंड फॉर ओके डी एन एस स्टैंड फॉर तो मैं आपको सबसे पहले इसका आंसर बता देता हूं द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए दैट इज डोमेन नेम सिस्टम डोमेन नेम सिस्टम अब ये डोमेन नेम सिस्टम हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं मैं आपको ये चीज़ें समझाने की कोशिश करता हूं थोड़ा बहुत आप देखो कि सपोज ये एक आ, मैं यहाँ पे एक होस्ट हूँ और मैं किसी न किसी नेटवर्क में हूँ ठीक है सपोज दिस इज ओवर नेटवर्क वन ओके okay? और मैंने यहाँ पे ये एक इस नेटवर्क में बहुत सारे होस्टर्स हैं इसमें बहुत सारे होस्ट्स हैं ठीक है और ये वाला होस्ट मैं हूँ ठीक है ये वाला होस्ट मैं हूँ और मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया www.google.com google.com तो ये क्या है ये हमारा एक यू है या बोल सकते हो डोमेन नेम है ठीक है डोमेन नेम है क्योंकि डोमेन नेम हमें जनरली याद रहते हैं लेकिन अगर हम आईपी एड्रेस डायरेक्टली याद रखने की कोशिश करेंगे तो नहीं रह, रहते हैं ठीक है ओके okay, तो मैंने यहाँ पे क्या कर लिया गूगल डॉट कॉम टाइप कर लिया अब ये जो गूगल का सर्वर है ना ये किसी और नेटवर्क में पड़ा हुआ है सपोज ये नेटवर्क नंबर टू में पड़ा हुआ है जो कि कहीं यू में है यू में है और नेटवर्क वन सपोज़ कश्मीर में कहीं पर है ठीक है अब क्या होगा यहाँ पे अब हमें नेटवर्क वन को नेटवर्क टू के साथ जोड़ना है नेटवर्क टू के साथ जोड़ना है तो हमें क्या करना पड़ेगा मैंने यहाँ पे क्या टाइप कर लिया www.google.com तो सबसे पहले ये रिक्वेस्ट किसके पास जाएगी जैसे मैंने ये यूआरएल टाइप किया तो सबसे पहले किसके या वेब एड्रेस टाइप किया ये रिक्वेस्ट किसको जाएगी डी के पास जाएगी डी क्या करेगा इस डोमेन नेम को कन्वर्ट करके देगा किस में आई एड्रेस में ये पॉइंट आप याद रखोगे डीएनएस की फुल फॉर्म क्या है डोमेन नेम सिस्टम और इसका काम क्या होता है ये डोमेन नेम्स को कन्वर्ट करके देता है हमें आईपी एड्रेसेस में ओके okay, अब जो हमारा आईपी एड्रेस होता है सपोज अगर हम आई फोर की बात करेंगे आई फोर कितने बिट्स का होता है थर्टी टू बिट्स का होता है अब इस आई एड्रेस को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ होता है पहला हिस्सा मैं यहां पर समझाता हूं आपको ये सपोज हमारा आईपी एड्रेस है ठीक है आईपी एड्रेस को हम जनरली दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं पहला पार्ट आता है नेटवर्क आईडी नेटवर्क आईडी और दूसरा पार्ट आता है उसको हम बोलते हैं होस्ट आईडी उसको हम क्या बोलते हैं होस्ट आईडी अब सपोज ये जो दो नेटवर्क्स आपस में थे नेटवर्क यहां से मैंने जैसे गूगल डॉट कॉम टाइप किया डी एन एस के पास रिक्वेस्ट गई उसने आई पी एड्रेस दे दिया और आई पी एड्रेस में कितने फील्ड्स होंगे दो फील्ड्स होंगे जैसे ही मैं नेटवर्क आईडी को देखूंगा नेटवर्क आईडी से मुझे पता चलेगा कि दुनिया में इतने सारे नेटवर्क्स हैं इस दुनिया में इतने सारे नेटवर्क्स हैं सबसे पहले नेटवर्क आईडी का इस्तेमाल करके मुझे पता चलेगा कि मुझे किस वाले नेटवर्क पे जाना है ठीक है तो गया मैं उस वाले डिज़ायर्ड नेटवर्क पर नेटवर्क आई का इस्तेमाल करके मैं उस नेटवर्क तक पहुँच गया ओके okay, अब इस नेटवर्क के अंदर बहुत सारे होस्टस होंगे बहुत सारे होस्टस होंगे यानी कि बहुत सारे कंप्यूटर्स होंगे सपोज इन ही होस्टस में से एक होस्ट है हमारा गूगल सर्वर ओके गूगल सर्वर अब मुझे किस होस्ट पे जाना है यहाँ पे तो बहुत सारे होस्टस हैं अब इसमें से किस होस्ट के पास मुझे जाना है वो मुझे किससे पता चलेगी होस्ट आईडी से पता चलेगी सपोज ये वाला होस्ट जो है ना यहाँ पे मुझे जाना था तो होस्ट आईडी का इस्तेमाल करके मैं कहाँ पे पहुँच जाऊँगा इस डिज़ायर्ड होस्ट के पास पहुँच जाऊँगा समझ में आ रही बात और उसके बाद इस होस्ट के अंदर बहुत सारी प्रोसेस रन कर रही होगी अब मुझे किस प्रोसेस के पास जाना है तो वो मुझे किसके किस से पता चल जाएगी उस चीज़ को हम बोलते हैं पोर्ट नंबर पोर्ट नंबर हमें बताता है कि मेरा डेटा या मुझे किस प्रोसेस के साथ कम्युनिकेट कर लेना है ठीक है क्योंकि सपोज अगर मैंने डब्ल्यू लिखा तो ये एक एच सर्विस है ठीक है एच सर्विस है तो इसका पोर्ट नंबर क्या होता है जनरली ए होता है एच का ठीक है तो मुझे पोर्ट नंबर ए पे जाना होगा वहां से मैं क्या कर सकता हूँ गूगल सर्वर के साथ कनेक्ट हो सकता हूँ होपफुली एक्सप्लेनेशन आपको थोड़ी सी समझ में आ गई होगी फिर से मैं बता रहा हूँ डी एन एस फुल फॉर्म है डोमेनियम सिस्टम ये क्या करके

और अगर आपको कोई बताएगा कि पोर्ट नंबर्स ओ एस आई मॉडल की किस लेवल पे या किस लेयर uh, पे ऐड किया जाता है दैट इज ट्रांसपोर्ट लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर पे हम क्या करते हैं पोर्ट नंबर्स को ऐड कर लेते हैं ये पॉइंट भी आप याद रखोगे ओके okay. तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर अलेवन के बारे में क्वेश्चन नंबर अलेवन सीज अज दैट आई ए एन ए स्टैंड फॉर सो द राइट आंसर ऑफ फोर क्वेश्चन नंबर अलेवन विल बी ऑप्शन नंबर ए दैट इज इंटरनेट असाइनड नंबर अथॉरिटी अब ये क्या बला है इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊंगा ये एक यूज़र है ये सपोज मैं एक यूज़र हूँ जैसे ही मैं नेटवर्क के साथ कनेक्ट होता हूँ तो मुझे क्या मिल जाता है एक आईपी एड्रेस मिल जाता है जैसे ही मैं नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो जाता हूँ अब ये आईपी एड्रेस मुझे कौन दे देता है ये आईपी एड्रेस मुझे देता है आईएसपी यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स मुझे आई पी एड्रेस असाइन कर लेते हैं लेकिन खुद आईएसपी ने वो आईपी एड्रेसेस एड्रेस कहाँ से लाए हुए होते हैं वो उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन से खरीदे हुए होते हैं जिस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है इंटरनेट असाइनड नंबर अथॉरिटी ठीक है सपोज अगर मैं आई पी की बात करूँगा आई पी एड्रेस जो हमारा होता है वो कितने बिट्स का होता है थर्टी टू बिट्स का होता है थर्टी टू बिट्स का होता है तो ये एक बहुत पूल बड़ा पूल ऑफ आईपी एड्रेसेस बन जाता है कितने आईपी एड्रेसेस एड्रेस हैं यहाँ पे टू रेज पावर थर्टी टू इन सारे आईपी एड्रेसेस का जो आ, की जो अथॉरिटी है जो इनको हैंडल करता है दैट इज़ आई ए एन ए इंटरनेट असाइनड नंबर अथॉरिटी ओके अब सपोज़ यहाँ से जियो कंपनी है जियो कंपनी इनको बोलती है कि मेरे पास बहुत सारे यूज़र्स हैं मुझे उनको नेटवर्क के साथ इंटरनेट के साथ कनेक्ट करवाना है तो मुझे आई पी चाहिए ठीक है तो ये आई ए एन ए के पास जाएगा इनसे एक पूल ऑफ आई पी ख़रीदेगा ठीक है ना ओके पूल ऑफ आईपी एड्रेसेस खरीदेगा तो जियो क्या करता है इन आईपी एड्रेसेस को पहले ख़रीदता है या कोई भी कंपनी क्या करती है इस आ, आ, इन आईपी एड्रेसेस को पहले खरीदती है किस है आई ए एन ए से ठीक है बाद में जियो यही आईपी एड्रेसेस किन को असाइन करते हैं अपने यूजर्स को असाइन कर लेते हैं थोड़ी सी मैं लेम लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश कर रहा हूँ इसमें थोड़ी टेक्निकलिटी भी है बट देन वो मैं थोड़ा छोड़ रहा हूँ बिकॉज उतना डेप्थ में भी आपको जाने की जरूरत नहीं है ठीक है बात करते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व के बारे में क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व दैट आई पी एड्रेस आर डिवाइडेड इन टू हाउ मनी क्लासेज ठीक है तो आई पी एड्रेस को हमने क्लासेज में डिवाइड किया हुआ असल में था अभी नहीं है अभी हम सी आई डी आर का इस्तेमाल करते हैं क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग का लेकिन इससे पहले हम क्लासफुल आई पी एड्रेसिंग हम एक ज़माने में क्या करते थे या रिसेंटली हम क्या करते थे क्लासफुल आई पी एड्रेसिंग का इस्तेमाल करते थे क्लासफुल आई पी एड्रेसिंग का इस्तेमाल करते थे जहाँ पर हमने आई पी को क्लासेस में डिवाइड किया हुआ था तो आपको यही बताना था कि आई पी को हमने कितने क्लासेस में डिवाइड किया हुआ था सो द राइट आंसर ऑफ ओर क्वेश्चन नंबर विल बी ऑप्शन नंबर सी दैट इज़ फाइव हमारे पास पाँच क्लासेज ऑफ आई पी होते हैं वन इज़ नोन एज क्लास ए अनदर इज़ नोन एज क्लास बी थर्ड इज़ नोन एज क्लास सी फोर्थ इज़ नोन एज क्लास डी एंड क्लास ई ये पांच क्लासेस ऑफ आईपी एड्रेसेस हम इस्तेमाल करते हैं समझ में आ रही बात ओके okay, तो अगर आप देखोगे क्लास ए आईपी एड्रेस में हम क्या करते थे मैंने आपको बोला अगर हम थर्टी टू बिट आई एड्रेस ले लेते हैं ठीक है तो इसमें हम क्या करते हैं पहला पार्ट जो इसमें नेटवर्क आईडी पार्ट आता है नेटवर्क आईडी पार्ट क्लास ए में एट बिट्स का होता है और होस्ट आईडी पार्ट इसमें कितना होता है ट्वेंटी फोर बिट्स का होता है ये पॉइंट आप याद रखोगे अगर हम क्लास बी की बात करेंगे क्लास बी में हमारे पास क्या होता है नेटवर्क आई पार्ट भी सिक्सटीन बिट्स का होता है और होस्ट आई पार्ट भी क्या होता है सिक्सटीन बिट्स का होता है समझ में आ रही बात और अगर हम क्लास सी की बात करेंगे क्लास सी में क्या होता है क्लास सी में हमने ट्वेंटी फोर बिट्स रखे हुए होते हैं नेटवर्क आईडी के लिए और आठ बिट्स हमने रखी हुई होती है किसके लिए होस्ट आईडी के लिए समझ में आ रही बात ओके okay. और अगर हम क्लास डी और ई e की बात करेंगे तो यहाँ पे होस्ट आईडी नेटवर्क आईडी ऐसा कुछ भी नहीं होता है ये हमने रिजर्व रखे हैं किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए ठीक है मिलिट्री एप्लीकेशन वगैरह वगैरह के लिए फाइन बात समझ में आ रही है तो होपफुली ये पॉइंट भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ज़्यादा याद अगर नहीं भी रह रहा है तो कोई भी टेंशन की बात नहीं है आप खाली इतना याद रखोगे कि आई पी एड्रेसेस को हमने कितने क्लासेज में डिवाइड किया हुआ है पाँच क्लासेज में डिवाइड किया हुआ है क्लास ए क्लास बी क्लास सी क्लास डी एंड क्लास ई ठीक है ओके okay. नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं यहाँ पे भी यही टेक्निकल क्वेश्चन है थोड़ा सा अब आपको बताना है कि क्लास ए आई पी एड्रेस जो है ना इसमें हमारे पास रेंज क्या होता है क्लास ए आई पी एड्रेस का मैं समझाने को ये भी समझा सकता हूँ चलो थोड़ा सा कोशिश कर लेते हैं इसको समझाने की भी ठीक है तो जो हमारा आई पी एड्रेस होता है जो हमारा आई पी एड्रेस होता है ये थर्टी टू बिट का है और इसको हमने चार हिस्सों में डिवाइड किया हुआ होता है ठीक है ऑक्टेट्स जिनको हम बोलते हैं ठीक है थीके? इसको हमने चार ऑक्टेट्स में डिवाइड किया हुआ होता है अब यहाँ पर हमारे पास आठ बिट्स होंगी यहाँ पे हमारे पास आठ बिट्स होंगी यहाँ पे आठ बिट्स, बिट्स और यहाँ पे आठ बिट्स ओके तो आठ बिट अगर हम यहाँ पे लेंगे आठ बिट्स अगर हम यहाँ पे लेंगे उन आठ बिट्स का वैल्यू क्या हो सकता है ज़ीरो जीरो ज़ीरो जीरो ज़ीरो जीरो से लेके से लेके कहाँ तक वन 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 तक ठीक है आप याद रखोगे सिंपली सिंपली आप याद रखोगे जो क्लास ए आई पी एड्रेस होता है क्लास ए आई पी एड्रेस होता है ये इसकी पहली बिट हमेशा ज़ीरो होती है इसकी पहली बिट हमेशा ज़ीरो होती है क्लास बी की पहली बिट आ, आ, हमेशा पहली दो बिट्स वन ज़ीरो होती है क्लास सी क्लास सी की पहली तीन बिट्स वन वन ज़ीरो होती है क्लास डी की पहली चार बिट्स वन 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 ज़ीरो होती है और क्लास ए की पहली चार बिट्स वन 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 होती है ओके okay? इसी के बेसिस पे अगर मैं आपको बताऊंगा, मैं सिंपली आपको आप इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूं, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए क्लास ए आईपी एड्रेस का जो रेंज uh, होता है वो वन से लेके वन ट्वेंटी सिक्स तक होता है असल में अगर देखा जाएगा तो इसका रेंज जीरो से लेके वन ट्वेंटी सेवन तक होता है लेकिन ज़ीरो वाला आईपी एड्रेस और वन ट्वेंटी सेवन वाला आईपी एड्रेस हम किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए इस्तेमाल करते हैं लाइक अगर आप वन ट्वेंटी सेवन की बात करोगे वन ट्वेंटी सेवन डॉट ज़ीरो डॉट ज़ीरो डॉट जीरो इसको हम बोलते हैं लूप यह हम इस्तेमाल करते हैं किसके लिए लूप बैक के लिए लूप बैक एड्रेस हम इसको बोलते हैं ठीक है थीके? तो ये हमने रिज़र्व रखा है किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए और जीरो डॉट जीरो डॉट जीरो डॉट जीरो ये भी हमने रिज़र्व करके कर रखा हुआ है दैट इज़ वाई वी से दैट प्रैक्टिकली जो क्लास ए का रेंज आता है दैट इज़ वन टू वन ट्वेंटी सिक्स और क्लास ये सारे क्लासेस के रेंज हैं ये हो गया क्लास ए का रेंज याद रहेगा तो ठीक नहीं रहेगा तो कोई टेंशन की बात नहीं है ये हो गया क्लास बी का रेंज ये हो गया क्लास सी का रेंज कहने को तो मैं इसको आराम से समझा सकता हूं बट इतना डेप्थ में आपको जाने की जरूरत नहीं है ये क्लास डी का रेंज है और ये क्लास क्लास ई e का रेंज है ओके बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में क्वेश्चन नंबर फोर्टीन से इज ऑज दैट वट इज द फुल फॉर्म ऑफ पी डी एफ वट इज द फुल फॉर्म ऑफ पी डी एफ तो आपको पता होगी द फुल फॉर्म ऑफ पी डी एफ इज पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट ओके पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट और अगर आपको कोई बताएगा कि पी डी एफ जो है ये किन का प्रोडक्ट है अगेन इट इज द प्रोडक्ट ऑफ एडोब ओके ये एडोब सॉफ्टवेयर या सिस्टम का प्रोडक्ट है ठीक है बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन से इज ऑज दैट टी सी पी इज़ कॉमनली यूजड प्रोटोकॉल ऐट जैसे मैंने अभी आपको बताया एच टी टी पी प्रोटोकॉल या एफ टी पी प्रोटोकॉल या एस एम टी पी प्रोटोकॉल या पॉप प्रोटोकॉल ठीक है ये कहाँ के प्रोटोकॉल्स हैं किस लेर के प्रोटोकॉल्स हैं एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल्स हैं वैसे ही अगर आपको कोई बताएगा कि टी सी पी टी सी पी जो है ये किस लेयर का प्रोटोकॉल है इट इज़ द प्रोटोकॉल ऑफ़ ट्रांसपोर्ट लेयर ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर ठीक है जो हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर होती है इसमें हम मेनली दो uh, बड़े बड़े प्रोटोकॉल्स का इस्तेमाल करते हैं वन इज़ नोन एज टी सी पी चलो मैं दोबारा से लिख लेता हूँ इसको जो हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर होता है ना इसमें हम दो प्रोटोकॉल्स का इस्तेमाल करते हैं वन इज़ नोन एज टी सी पी प्रोटोकॉल एंड अनदर वन इज़ नोन एज यू डी पी प्रोटोकॉल टी सी पी एंड यू डी पी प्रोटोकॉल दीज आर द टू मेजर प्रोटोकॉल्स ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर ओके अब अगर आपको कोई बताएगा कि वाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ टी सी पी टी सी पी की फुल फॉर्म क्या है ओके सो द फुल फॉर्म ऑफ टी सी पी इज़ ट्रांसमिशन ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल ठीक है और अगर आपको कोई बताएगा कि यूडीपी की फुल फॉर्म क्या है दैट इज यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल और भी एक पॉइंट आप इसमें ऐड कर सकते हो दैट इज जो टीसीपी होता है ना ये थोड़ा स्लो होता है क्यों क्योंकि हमें इसको हम बोलते हैं ये कनेक्शन ओरिएंटेड होता है ये क्या होता है कनेक्शन अगर सेंडर को रिसीवर को आ, कुछ डेटा सेंड करना है तो उसको पहले एक कनेक्शन एस्टेब्लिश करना पड़ता है ये कनेक्शन ओरिएंटेड होता है वायर एस यूडीपी क्या है इट इज कनेक्शन लेस इट इज कनेक्शन लेस ओके कनेक्शन लेस ठीक है ओके okay. तो होपफुली ये सारे पॉइंट्स आपको याद रहे होंगे बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन के बारे में क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन में हमसे पूछा गया है आई पी एड्रेस आर असाइनड एट विच लेयर ऑफ ओ एस आई मॉडल आपको बताना है कि आई पी एड्रेस जो है ना अगर हम ओ एस आई मॉडल की बात करेंगे तो ओ एस आई मॉडल में सबसे पहली लेयर क्या आती है मैं फिर से लिख लेता हूँ ये एक आती है एप्लीकेशन लेयर एप्लीकेशन लेयर दूसरा आता है जिसको हम बोलते हैं प्रेजेंटेशन लेयर तीसरी आती है उसको हम बोलते हैं सेशन लेयर चौथा आता है उसको हम बोलते हैं नेटवर्क लेयर फिफ्थ इज सॉरी फोर्थ इज ट्रांसपोर्ट लेयर फिफ्थ इज नेटवर्क लेयर सिक्स इज डेटा लिंक लेयर एंड सिक्स सिक्स्थ इज फिजिकल लेयर सेवंथ इज सॉरी सेवंथ इज फिजिकल लेयर ठीक है फिजिकल लेयर तो ये हमारी सात लेयर्स है किसकी ओएसएम मॉडल की अब अगर हम यहां पे कुछ और पॉइंट्स ऐड करना चाहेंगे इस नोट में व्हाट इज दैट तो मैंने आपको क्या बताया मैं यहां पे आपको क्या बता रहा हूं आईपी एड्रेस जो हमारा होता है ये हम किस लेयर पे ऐड कर लेते हैं द राइट आंसर इज नेटवर्क लेयर यहां पे हम क्या करते हैं आईपी एड्रेसेस असाइन कर लेते हैं ठीक है, है ना ओके सो द राइट आंसर ऑफ फर क्वेश्चन नंबर 16 विल बी ऑप्शन नंबर सी दैट इज नेटवर्क क्लियर ओके नेटवर्क क्लियर पे हम क्या करते हैं आईपी एड्रेस असाइन कर लेते हैं और डेटा लिंक क्लियर पे क्या होता है डेटा लिंक क्लियर पे फिजिकल एड्रेसिंग होती है यानी कि मैक एड्रेसेस के साथ हम कहाँ पर डील कर रहे होते हैं डेटा लिंक क्लियर पे और पोर्ट नंबर्स हम कहाँ पर इस्तेमाल कर रहे होते हैं पोर्ट नंबर्स हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं ट्रांसपोर्ट क्लेयर पोर्ट नंबर्स हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर पे तो इस वाले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था आई पी एड्रेस आर असाइनड एट विच लेयर ऑफ ओ एस आई मॉडल सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी दैट इज ट्रांसपोर्ट लेयर अगर आपको कोई बताएगा कि फिजिकल एड्रेसिंग यानी कि मैक एड्रेस हम कहाँ मैक एड्रेस के साथ हम कहाँ पे डील कर रहे होते हैं किस लेयर पे डील कर रहे होते हैं दैट इज़ डेटा लिंक लेयर और अगर आपको कोई बताएगा कि पोर्ट नंबर्स हम किस वाले लेयर पे ऐड कर लेते हैं दैट इज़ ट्रांसपोर्ट लेयर ओके बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेवनटीन के बारे में क्वेश्चन नंबर सेवनटीन सेज अज़ दैट द फोर बाइट आईपी एड्रेस फोर बाइट आईपी एड्रेस जैसे मैंने आपको अभी बताया कि हमारा आईपी एड्रेस कितनी बिट्स का है थर्टी टू बिट्स का है तो इसको हम क्या करते हैं चार आ, हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं ठीक है ना यहाँ पे एड बिट यहाँ पे एड बिट यहाँ पे एड बिट यहाँ पे एड बिट इसको हम बोलते हैं डॉटेड डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑक्टेट्स में हम इसको डिवाइड कर लेते हैं तो चार आठ आठ बिट्स बन जाती है तो हर एक आर्ट बिट को हम क्या बोलेंगे बाइट बोलेंगे ये पहली बाइट दूसरी बाइट तीसरी बाइट चौथी बाइट तो अगर हमारे पास चार बाइट आई पी एड्रेस है इसमें क्या कितने फील्ड्स होते हैं नेटवर्क एड्रेस एंड होस्ट एड्रेस मैंने आपको बताया कि आई पी एड्रेस हमारा कितने हिस्सों में डिवाइडेड होता है दो हिस्सों में डिवाइडेड होता है वन इज नोन एज नेटवर्क आई डी एंड एज होस्ट आई डी ठीक है तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा इस वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन का दैट विल बी ऑप्शन नंबर सी दैट इज बोथ ए एंड बी हमारे आईपी एड्रेस हमारा जो आईपी एड्रेस होता है ना ये दो हिस्सों का बना हुआ होता है वन इज नेटवर्क आईडी एंड डी वन इज होस्ट आईडी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर एटीन के बारे में क्वेश्चन नंबर एटीन दैट विच अमंग द फॉलोइंग गाइडेड मीडिया गाइड मीडिया क्या हो गया जहाँ पे हम फिज़िकल वायर्स uh, का इस्तेमाल कर रहे होंगे हैज़ द हाइस्ट ट्रांसमिशन स्पीड इन द इन द नेटवर्क आपको बताना है दिए गए हुए चार ऑप्शन में से कौन सा गाइडेड मीडिया ऐसा है जहाँ पे स्पीड ऑफ़ ट्रांसमिशन सबसे ज़्यादा होती है सो द राइट आंसर ऑफ और क्वेश्चन नंबर एटीन विल भी ऑप्शन नंबर डी दैट इज ऑप्टिकल फाइबर ऑप्टिकल फाइबर एक ऐसा गाइडेड मीडिया होता है जहाँ पे स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होती है काफ़ी ज़्यादा होती है नियर अबाउट नियर अबाउट स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड uh, से यहाँ पे डेटा ट्रांसमिट uh, होता है ठीक है बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नाइनटीन के बारे में द इनर कोर ऑफ एन ऑप्टिकल फाइबर ऑप्टिकल फाइबर का जो इनर कोर है इंटरनल पार्ट है वो किसका बना हुआ होता है दैट इज़ मेड अप ऑफ गिलास और प्लास्टिक ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट राइट आंसर ठीक है ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर बात करते हैं आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन के बारे में यहाँ पे हमसे पूछा गया है इन फॉर्मेटिंग एन ईमेल ये जे के पी एस आई के पेपर में आया हुआ था इन फॉर्मेटिंग एन ईमेल केयर शुड बी टेकन दैट अगर आप एक ईमेल बना रहे हो एक ईमेल सेंड करना चाहते हो तो हमें किस चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन गलत हो गया था सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है द रेफरेंस नंबर इज़ मैंशनड आपको मैंने ऑलरेडी बताया जब हम मेल लिखते हैं तो सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे क्या आता है फ्रॉम उसके बाद टू और अगर कार्बन कॉपी वगैरह भेजनी होगी तो वो ऑप्शन आते हैं ओके okay, और सब्जेक्ट आता है और बॉडी आती है रेफरेंस नंबर का कहीं पे जिक्र नहीं किया गया है तो ऑप्शन नंबर ए तो इसका करेक्ट आंसर नहीं हो सकता ओके okay, अब अगर आप देखोगे ऑप्शन सी की पहले बात करते हैं द एंटायर मैसेज इज नॉट रिटन इन कैपिटल लेटर्स हमारी मर्जी है हम मेल uh, जो uh, हम करते हैं ना हमारा मकसद क्या होगा डेटा ट्रांसमिट करना सो so दैट जो रेसिपियंट है उसको हमारी बात समझ में आ जाए कि मैं कहना क्या चाहता हूं ठीक है अगर हम वो पूरी की पूरी मैसेज कैपिटल लेटर्स में लिखे या स्मॉल लेटर्स में लिखे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा समझ में आ रही बात ऑल दो ऑफिशियल जो मेल्स होते हैं उनमें हो सकता है कि हमें इस चीज़ के बारे में सोचना पड़े लेकिन जनरली अगर हम इसको देखेंगे तो मैसेज कैपिटल में है स्मॉल में है उसके साथ हमें कोई भी डीलिंग नहीं करनी होती है तो ये भी इसका करेक्ट आंसर नहीं रहेगा ओके देयर इज़ नो अटैचमेंट देयर इज़ नो अटैचमेंट आप देखोगे जब हम मेल करते हैं अटैचमेंट ऑप्शन जो है ना वो ऑप्शनल होता है वो हम अटैच कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं, हमारी मर्जी ठीक है अगर अगर हमें कुछ भी अटैच नहीं करना है तो हम नहीं करेंगे अगर कुछ करना होगा तो करेंगे सो दिस इज़ अगेन ऑप्शनल सो ऑप्शन नंबर डी भी क्या है ये भी सही नहीं है बट ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर वाई जब आप मेल कर रहे हो तो आप क्या करते हो आप रेसिपिएंट को अपनी बात समझाना चाहते हो ठीक है ना पहुंचाना चाहते हो तो उसमें क्या होगा ओरिजिनल मैसेज जो आप भेजना चाहते हो वो आपने टाइप करके रखी होनी चाहिए तब जाके हम बोलेंगे इस चीज़ का हमें ध्यान रखना पड़ेगा ठीक है ना ओरिजिनल मैसेज होनी ही होनी चाहिए तभी मेल करने का कुछ फ़ायदा मिलेगा ठीक है तो होपफुली आज के सारे के सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे अगर अच्छे से समझ में आ गए होंगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं किया है आ, मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में देन टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ गुड बाय